हेलो दोस्तों। तो गर्मियों के दिनों में हम लोग को ठंडा पानी पीने का मन लगता है दोस्तों, तो ये आप लोग को एक अच्छा ट्रिक बताने वाला हूँ। तो देखिए, एक बोतल हम लोग ले चुके हैं। अब बोतल लेने के बाद देखिए दोस्तों, एक फटा हुआ कपड़ा ले चुके हैं दोस्तों, देख सकते हैं। अब इसको हम लोग क्या करने वाले हैं ये आप लोग को इस वीडियो में पता चलेगा दोस्तों। ये बोतल है और उसके बाद इसमें हम लोग लपेटेंगे दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, इसी प्रकार से अच्छे खासे नाप के इसे हम लोग लपेटेंगे, ये देखिए। और देखते हैं किस तरफ अच्छा मतलब बन रहा है, उसी तरफ हम लोग अच्छा खासा लपेटेंगे उसे। और ये देखिए, हम लोग अच्छे खासे देखिए इधर बन चुका है दोस्तों, ये देखिए। अब इसे हम लोग देखिए सुई धागा से इसे हम लोग अब सिलाई करेंगे दोस्तों। ये देखिए, ये है धागा और सुई, और अच्छी तरह से इसे हम लोग देखिए सुई धागा हो चुका है एक साथ। अब एक साथ होने के बाद देखिए दोस्तों, बहुत ही लंबा हो जा रहा है धागा, तो उसे थोड़ा सा हम लोग कट कर देते हैं। ये देखिए, दांत से कट कर दिए। और दांत में करने के बाद देखिए दोस्तों, लास्ट में देखिए दोस्तों, हम लोग धागे को लास्ट में बांध देंगे। ये देखिए, इसी प्रकार से हम लोग बांध देंगे दोस्तों। ये देखिए, ये लास्ट हो चुका है, धागा का लास्ट है, तो धागा लास्ट में आप लोग को बांध देना है इसी प्रकार से। और दिखाते हैं आप लोग को नज़दीक, देखिए इसी प्रकार से आप लोग को बांध देना है। और बांधने के बाद दोस्तों, अब हम लोग को डिब्बा अंदर में रहेगा दोस्तों और कपड़ा थोड़ा बाहर में रहेगा। तो देखिए, इसी प्रकार से हम लोग को इसकी सिलाई करना है। तो ये देखिए दोस्तों, इसी प्रकार से अच्छे खासे आप लोग हाथों में पकड़ लेना है और इसे अच्छे खासे सिलाई करना है हम लोग को। चलो आप सिलाई वलाई करते हैं, अच्छे तरह से पकड़ लेते हैं इसे। ये देखिए, इसी तरह से हम लोग पकड़ लेते हैं। अब पकड़ने के बाद सबसे पहले तो यहीं से ही चालू करेंगे सिलाई का। तो देखिए, अभी अच्छे खासे हम लोग बना रहे हैं उसे, और बनाने के बाद उससे हम लोग सिलाई करने वाले हैं। तो देखिए, अब हम लोग देखिए सुई घुसा दिए इसमें। ये देखिए, इसी प्रकार से हम लोग को सिलाई करना है, और जब तक पूरा सिलाई करना है दोस्तों, जहाँ जहाँ तक दिख रहा है हम लोग को, सब तरफ सिलाई करना है। तो ये देखिए दोस्तों, बहुत दूर चले गए हम लोग सिलाई करते करते। ये देखिए, और थोड़ा सा बचा हुआ है। और ये देखिए दोस्तों, और थोड़ा सा बचा हुआ है, उससे भी हम लोग अच्छी खासे सिलाई कर लेते हैं। ये देखिए, इसी प्रकार से आपको सिलाई करते जाना है। ये देखिए, अच्छे खासे सिलाई करना है दोस्तों। तो इसी प्रकार से हम लोग को सिलते जाना है। ये देखिए, और लास्ट बचा हुआ है दोस्तों। तो देखिए, यहीं पर हम लोग कट कर देते हैं और फिर से यहीं पर अच्छे खासे बांध देंगे। उसके बाद ही देखिए, इधर बचा हुआ है, तो उसे हम लोग सिलाई करेंगे। तो देखिए, यहीं पर हम लोग गांठ बांध दिए हैं, और गांठ बांधने के बाद फिर से हम लोग देखिए धागा लेंगे। ये देखिए, अब उधर ही सिल रहे हैं, देख सकते हैं सिलाई चल रहा है। ये देखिए, और थोड़ा सा बचा हुआ है, उसके बाद ही इसका सिलाई हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, हो चुका है। अब हम लोग इधर कट कर देते हैं। ये देखिए, बहुत ही मोटा धागा है दोस्तों, मोटा धागा में ही आप लोग को सिलाई करना है इसका। और देखिए, जींस कपड़ा है, आप लोग को जींस कपड़ा लेना है या कुछ भी कपड़ा लेना है दोस्तों, अब ले लेंगे और इसी प्रकार से आप लोग सिलाई कर देंगे दोस्तों। एक बोतल ले लेंगे, उसके बाद इसी प्रकार से आप लोग सिलाई कर लेना है। अब दोस्तों, सिलाई करने के बाद अब क्या करने वाले हैं देखते हैं। थोड़ा सा पेटीकोट कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग को पानी वानी भी लाना है। तो देखिए दोस्तों, मैडम जी पानी लेने के लिए पहुंच चुकी हैं, और पानी के हम लोग क्या करने वाले हैं ये आप लोग को पता चलेगा। ये देखिए, पानी लेने के लिए गई है और फिर आ रही है। तो ये देखिए, यहीं पर रख देते हैं पानी। अब हम लोग बोतल में पानी लेने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि बोतल का पानी हम लोग पीने वाले हैं, तो फिलहाल अच्छा पानी लेने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग ट्यूबवेल चालू कर लेते हैं। ये देखिए, यहीं पर उसका मशीन है, तो ये देखिए चालू हो चुका है। अब चालू होने के बाद चलो चलते हैं जहां पर पानी गिर रहा है। तो देखिए, मैडम जी जा रही है, यहीं पर पानी वानी निकलता है दोस्तों। तो ये देखिए, पानी भर के ले आई है, अब यहीं पर बंद कर दी। और बंद करने के बाद दोस्तों देखिए,
पहुंचने वाली है थोड़ा सा और। ये देखिए यहीं पर पहुंच चुके हैं और इसका हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिए डिब्बा में पानी भर चुका है। अब पानी भरने के बाद देखिए दोस्तों हम लोग इसमें डुबा देते हैं, लगभग हम लोग को 10-15 मिनट इसे डुबा देते हैं दोस्तों। और फिर देखना दोस्तों फ्रिज से भी बहुत ही तेज़ ठंडा पानी इसमें हो जाएगा दोस्तों कुछ मिनटों बाद। और इसे आप लोग कोई बैग में भी लेके जा सकते हो, कहीं पर काम करने जाते हो उसको भी ले जा सकते हो दोस्तों। और हंडी को तो ले जाना नहीं पड़ेगा दोस्तों, इसको आप लोग कहीं पर भी भर के ले जा सकते हो। ये देखिए और ये काफ़ी ठंडा हो चुका है दोस्तों, देख सकते हैं। और जींस का है, जब तक जींस अगर भीगा रहेगा दोस्तों वो कपड़ा, तब तक ये डब्बा का पानी बहुत ही ठंडा रहेगा। ये देखिए हुआ ना नया ट्रिक दोस्तों, आप लोग को बहुत ही काम आने वाला है दोस्तों। तो इसी प्रकार से आप लोग को बना लेना है, आप लोग को बहुत ही काम आएगा और ख़ासकर गर्मी में बहुत ही काम आएगा दोस्तों। तो देख सकते हैं इसी प्रकार से आप लोग को जींस कपड़ा ले लेना है, जींस कपड़ा अच्छा है दोस्तों इसके लिए। अब लोग बोरी भी अगर डालें तो बोरी भी डाल सकते हो, इसी प्रकार से खिल सकते हो और भी बहुत ही अच्छा है। तो इस वीडियो में बस इतना, नेक्स्ट वीडियो फिर मिलेंगे दोस्तों को। बाय बाय।